हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड माफी चाहूंगा अगर आपको म्यूजिक की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि पड़ोसी बजा रहे, तो आई कांट डू एनीथिंग, बट आई नीड टू मेक अ वीडियो, सो आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो, आई एम डूइंग माय जॉब। तो अगर बात करते हैं इस वीडियो में, हम मल्टीपल कंपनी के रिजल्ट, अगर कल की बात करें, कल कुछ कंपनी के रिजल्ट छूट गए थे और आज की डेट में उन्हें देखेंगे, एज वेल एज बात करें आज की डेट में मल्टीपल कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, एज वेल एज कुछ चार्ट पैटर्न भी निकल रहे हैं। अगर आपको उनके चार्ट पैटर्न से रिलेटेड कुछ चाहिए होगा तो आप कमेंट करिए, उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे और साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। और आज की डेट में दो वीडियोस हिंदुस्तान फूड से रिलेटेड, ओके, इसके रिजल्ट आए और 150% के हमें गेन मिल रहे हैं जब से हमने इन्वेस्ट किया और 900 के लेवल से। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर जेटी केईटी के यहाँ पर रिजल्ट है Q4 के, वो हमने देख लिए हैं, इसमें बताए गए हैं। एज वेल एज यहाँ से एग्जिट करके एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाँ पर हमने एंट्री करी है, तो उस वीडियो को जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लिक करिएगा आप यहाँ पर देख के, काफ़ी सारे वीडियोज इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप अगर नए हैं तो उसने देख के आप अच्छी खासी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं वी गार्ड की आपको बात करें तो अच्छी खासी कंपनी यहां पर नजर आती है, और यहां पर डिविडेंड कंपनी ने आई थिंक दिया है, यहां पर अगर देखें तो ₹1.20 का डिविडेंड दिया है। और अगर बात करें यहाँ पर इनके रिजल्ट से रिलेटेड, तो रिजल्ट यहाँ पर इनके आपके सामने है, ओके, इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। यहाँ पर इस बार के ये Q4 के, ये Q3 के लास्ट ईयर के, ये Q3 के, ये Q4 के लास्ट ईयर के, सॉरी। अगर बात करें टोटल इनकम की तो 85,345, इससे पहले 83,000, इससे पहले 54। अगर बात करें ईयरली बेसिस पे तो जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे भी क्वाइट इंप्रेसिव यहाँ पर इन्होंने अगर बात करें इनकम जनरेट करी है। टोटल एक्सपेंस की बात करें 75,000, इससे पहले 72, इससे पहले 49, तो एक्सपेंस भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 6,833, इससे पहले 7,701, इससे पहले 3,251 लाख रुपीस के प्रॉफिट। तो ईयरली बेसिस पे तो अच्छी खासी यहाँ पर जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है इन द क्या कहते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड में। तो अगर हम EPS की बात करें तो ₹1.59 का EPS है, इससे पहले ₹1.80, इससे पहले 76 का है। तो EPS ईयरली बेसिस पर बढ़ रहा है, क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, किस तरीके मतलब सेगमेंट वाइज रिवेन्यू, ओके, यहाँ पर दे रखा है। तो आप यहाँ पर जाके एक बार देख सकते हैं कि वेबसाइट पे या फिर इनके BSE पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी बात करें लक्स इंडस्ट्रीज, इसके भी रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, लक्स इंडस्ट्री ने अच्छे रिजल्ट पेश करे, क्योंकि आज की डेट में अच्छा खासा शेयर भागता हुआ नजर आया था। अगर बात करें यहाँ पर डिविडेंड की तो डिविडेंड मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, बट अगर डिविडेंड होगा तो काइंडली यहाँ पर आप देख लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम काफ़ी सारी वीडियोज हमें बनानी है, तो काफ़ी सारी रिजल्ट से रिलेटेड बातें करेंगे तो टाइम लग सकता है। यहाँ पर देखें तो इन करोड़ में यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें तो 597 करोड़ के यहाँ पर टोटल इनकम इस बार की है, 535 लास्ट टाइम था, 403 से पहले था। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर अच्छी खासी जंप है टोटल इनकम में। एक्सपेंस की बात करें तो 474 करोड़ था, इससे पहले 432, इससे पहले 344। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ रहा है, जिसका इफेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 92 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले 75 करोड़, इससे पहले 40। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे तो दुगने से ज़्यादा प्रॉफिट है, और क्वार्टरली बेस पे ही बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, 30 रुपीज का यहाँ पर EPS इस बार का है, 25 लास्ट टाइम था, 13 उससे पहले था। तो कंपनी ने काफी अच्छे यहाँ पर रिजल्ट पेश करे, इसी वजह से जितनी भी ये इससे रिलेटेड कंपनीज थी सबके शेयर यहाँ पर भागते हुए दिखाई दिए। स्टोवक्राफ्ट आपको पता ही है, नया यहाँ पर ये लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था, ये शेयर भी काफी भागता हुआ आज की डेट में दिखाई दिया। और अगर हम बात करते हैं, इसने अच्छे खासे रिजल्ट शायद पेश करे, इस वजह से यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो रिजल्ट है इन मिलियन रुपीस में है, टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर 2,362 मिलियन का यहाँ पर इनकम हुआ है, इससे पहले 2,29, इससे पहले 1,500। तो ईयरली बेस पर जंप है, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट है। टोटल एक्सपेंस की बात करें
तो कंपनी ने एक्सपेंस में यहाँ पर क्वार्टरली बेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कम एक्सपेंस किया है, 2170, इससे पहले 2600 था, इससे पहले 1645। तो ईयरली बेस पे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, क्वार्टरली बेस पे घट रहे हैं। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो 190 मिलियन से रुपीज़ है, इससे पहले 334 था, इससे पहले 104 नेगेटिव में था। तो कंपनी नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गई है और क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर गिरावट भी है, इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि ईपीएस बता रहा है 6 रुपये का इस बार है, 11 रुपये का लास्ट टाइम था और 3 रुपीज़ का नेगेटिव में यहाँ पर लास्ट ईयर था। तो कंपनी से थोड़ा सा मुझे लगता है कि और भी आपको अच्छा खासा अच्छी खासी कंपनी मार्केट में मिल जाएगी, तो ऐसी कंपनी में जहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क हो तो वहाँ पर क्यों जाना। अगर बात करते हैं यहाँ पर एलटी फूड्स दावत, जो कि अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ हमें काफ़ी टाइम से नज़र भी आ रहा है, ओके। एंड ईरान में इनके चावल बनते हैं, चावल दावत चावल के नाम से आपको पता ही होगा, राइस के नाम से। यहाँ पर इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं, अगर किसी के भी डिविडेंड आपको पता चले तो यहाँ पर आप कमेंट करके डेफिनेटली बता दीजिए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इन लैक्स में यहाँ पर ये दे रखा है, तो यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा दे रखा है, ये कंसोलिडेट है, ये स्टैंड अलोन है, तो कंसोलिडेट ही पढ़ लेते हैं हम सीधे। टोटल इनकम की बात करें तो 1,14,652 लैक्स इन रुपीज़, इसे 1,09,294 लैक्स इन रुपीज़, इसे 1,21,000। तो ईयरली बेसिस और क्वार्टर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है, बट क्वार्टरली बेसिस की अगर बात करें यहाँ पर जंप यहाँ पर टोटल इनकम में नज़र आ रही है, जो कि अच्छी बात है। और टोटल एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस यहाँ पर ईयरली बेसिस पर तो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पर एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब बात करें टोटल प्रॉफिट की यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो 5,973 लैक्स इन रुपीज़, से पहले 6,923 था, इससे पहले 5,834 था। ईयरली बेस में यहाँ पर तो अगर कह सकते हैं फ्लैट कह दो या फिर थोड़ी बहुत जंप कह सकते हैं, बट अगर क्वार्टरली बेस पर बात करें यहाँ पर डिक्रीमेंट होता हुआ नज़र आया, अगर बात करते हैं यहाँ पर डिक्रीज होते हुए नंबर नज़र आया। ईपीएस भी देख सकते हैं 1.76 है, इससे पहले 2 रुपीज़ था, इससे पहले 1.69 था। तो क्वार्टरली बेस पर फ्लैट परफॉर्मेंस है और ईयरली बेसिस पर यहाँ पर गिरावट है दावत में। और यहाँ पर बात करते हैं तो न्यूज़ आती है तभी ये शेयर भागता हुआ नज़र आता है। शारदा कॉर्प केमिकल लिमिटेड यहाँ पर इस कंपनी का नाम है, ओके। ये आपको पता ही है, जैसे क्रॉप से रिलेटेड आप देख सकते हैं, कप यहाँ पर खेती से रिलेटेड ये शेयर नज़र आता है। ईपीएस यहाँ पर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 3 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया, जो कि थोड़ा टाइम बाद आपको टाइम लेता हुआ मिलेगा। एज वेल एज यहाँ पर इसके रिजल्ट देख लेते हैं तो रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आए, क्योंकि शेयर आज की डेट में गिरता हुआ नज़र आता है। इन लैक्स की बात में दे रखा, टोटल इनकम की बात करें तो 1,10,489 लैक्स इन रुपीज़ में यहाँ पर इसके नंबर इस बार की इनकम है, इसे 50,000 था, इससे पहले 88। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर टोटल इनकम में यहाँ पर जंप है, जो कि अच्छी बात है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, 93,742, 74, ओके। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर देख लीजिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अच्छे रिजल्ट है इसके, 13,391, इससे पहले 4,830, इससे पहले 14,165। तो ईयरली बेसिस पर गिरावट है, इस वजह से शायद यहां पर टीवी में बात करें या चैनल्स पे बात करें यहां पर गलत रिजल्ट यहां पर दिखाए गए थे, बट जिसकी वजह से यहां पर गिरता हुआ, बट क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रेसिव यहां पर अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए लगभग 3 टाइम्स। ईयरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट है, जो कि ईपीएस भी देख सकते हैं 15 रुपये का ईपीएस 14 का हो गया है, और इस बात करें यहाँ पर 5 रुपये का ईपीएस यहाँ पर 14 होता है। क्वार्टरली बेस पे अच्छा खासा परफॉर्म किया है, ईयरली बेसिस पे यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट है, तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। बाकी यहाँ पर इसके प्रीवियस रिजल्ट एज वेल एज यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करके ही आप कोई पोजिशन बनाइएगा, और बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार पूछिएगा। अरविंद इसके रिजल्ट अच्छे खासे आए हैं शायद, इस वजह से ये शेयर भागता हुआ नजर आया है, जैसे कि मैं न्यूज़ में देखा, आई डिडंट सी द रिजल्ट ट्रीएट, आपके सामने ही यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे। और जितने हम रिजल्ट पढ़ते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यही रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसे देखने में पूरा दिन लग सकता है, तो आप इस चीज़ को आप देखिएगा। मैं थोड़ा ऊपर से बस एक ब्रश अप कर देते हैं। अगर बात करें इन करोड्स में यहाँ पर रिजल्ट है Q3 Q4 की, Q3 लास्ट ईयर, अगर बात करें Q3 और Q4 के रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें 1,516 करोड़ का, इससे पहले 1,391, इससे पहले 1,508। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, ईयरली बेसिस पे फ्लैट भी कह सकते हैं। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है साफ आपके सामने,
ओके सॉरी ईयरली बेसिस पे गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर जंप है। और अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 करोड़ का अभी का प्रॉफिट है, इससे पहले 46 था, इससे पहले 23 था। तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है, जो कि ईपीएस में साफ झलकता है। 2 रुपये का ईपीएस इस बार है, 1 रुपये का पैसे का लास्ट टाइम था और 91 पैसे का इससे पहले लास्ट ईयर में था। तो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है अरविंद, इस वजह से यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आया क्योंकि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखे। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, काफी भागती हुई नजर आई, काफी इसका आईपीओ भी पॉपुलर हुआ था, अच्छे खासे रिटर्न भी दिए थे। और कल की बात करें 50 पैसे का यहाँ पर फाइनल डिविडेंड दिया है, बस शेयर गिरता हुआ आज नजर आया, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर बात देखते हैं टोटल इनकम तो 4708 मिलियन से रुपीज़, इससे पहले 39, इससे पहले 34। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे टोटल इनकम अच्छी खासी है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 4282, 434, 33। अगर बात करते हैं ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर टोटल एक्सपेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 312 मिलियन से रुपीज़, से पहले 406, इससे पहले 132। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट है प्रॉफिट फॉर द पीरियड में, जिसका ईपीएस में भी ताल्लुक है। यहाँ देख सकते हैं 1 रुपये 34 पैसे का इस बार का ईपीएस है, इससे पहले 1 रुपये 80 पैसे का था, इससे पहले 7 पैसे का। तो ईयरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म है, क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा पीछे नजर आई है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इसका नाम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी अगर बात करें थ्रूमलई केमिकल्स, ये शेयर ने अच्छे रिजल्ट पेश करे हैं, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है। आप कहेंगे तो इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ओके, और अपसाइड इसमें बहुत ज़्यादा है, मैंने ऊपर ऊपर से देखा था, ओके, अभी मैंने भी पूरा अच्छा तरीका, बट यहाँ पर चार्ट पैटर्न बन रहा था ड्यूरिंग द मार्केट, मैंने देखा था। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 रुपये 20 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने दिया है और अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आए हैं। बात करें इनलैक्स में रिजल्ट है, एक मिनट यहाँ पर नीचे चले जाते थोड़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये स्टैंड अलोन है, ये कंसोलिडेट है। अगर यहाँ पर देखते हैं रिवेन्यू तो यहाँ पर देख सकते हैं 28413, इससे पहले 24, इससे पहले 24419। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर टोटल इनकम में जंप है। अगर बात करते हैं एक्सपेंस, तो क्वार्टरली बेसिस पे तो यहाँ पर एक्सपेंस बढ़े हैं, बट ईयरली बेसिस पे 22,000 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस 20,000 करोड़ के आसपास रह गए हैं, तो कम होते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, देख सकते हैं यहाँ पर 7,088 लाख रुपीज़, से पहले 3,144, इससे पहले 1,336। तो ईयरली बेसिस पे तो बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट है, और क्वार्टरली बेसिस पे भी दुगना प्रॉफिट होता हुआ हमें साफ नजर आ रहा है, बल्कि दुगने से भी ज्यादा, जो कि ईपीएस में साफ झलकता है। 2 रुपये 60 पैसे का ईपीएस इस बार है, इससे सॉरी ये वाला ईपीएस लेंगे, 6 रुपये 19 पैसे का ईपीएस इस बार है, 3 रुपये का 7 रुपये पैसे का लास्ट टाइम था, और 1 रुपये 30 पैसे का 1 साल पहले यहाँ पर ईपीएस था। तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है थ्रूमलई, इसे अपनी रिडार पर रखिएगा, और ये शेयर भागता हुआ काफी नजर आता है। ओके, यहाँ पर ईपीएस से आप दोबारा जानकारी ले सकते हैं, अच्छा खासा सेम यहीं पर ही सेम रिजल्ट यहाँ पर कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन नजर आ रहे हैं, थिरुमलई नाम है। तो अब देख लेते हैं फाइजर, फाइजर कंपनी आपको पता ही है वैक्सीन से रिलेटेड काफ़ी फेमस भी है, यूएस में की कंपनी है ये, और अच्छा खासा ये वैक्सीन को भी छोड़ दे तो अच्छे खासे रिजल्ट इसने पेश करे हैं, रिटर्न अच्छे खासे दिए। सॉरी, अगर बात करें डिविडेंड, 30 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड देती हुई कंपनी नजर आ रही है। ओके, एज वेल एज यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर स्पेशल डिविडेंड भी दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड नॉर्मल डिविडेंड एंड स्पेशल डिविडेंड 35 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड फाइजर यहाँ पर देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके रिजल्ट देखते हैं तो ये इन करोड़ में यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इनकम 571 करोड़, इससे पहले 608, इससे पहले 547। ईयरली बेस में यहाँ पर जंप है, बट क्वार्टरली बेस की बात करें तो यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है टोटल इनकम में। ओके, एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस देख लीजिए, एक्सपेंस यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं 439, इससे पहले 427, से 422, 425। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो यहाँ पर देखिए 100 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 141, इससे पहले 103। तो प्रॉफिट यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ईपीएस से साफ झलक जाएगा। 21 रुपये का ईपीएस इस बार का है, लास्ट ईयर 22 का था, इससे पहले 30 का था। तो ईपीएस थोड़ा यहाँ पर परफॉर्मेंस सही नहीं कर रही है, बट कोई इशू नहीं है, अच्छे लॉन्ग टर्म के व्यू से ये कंपनी अच्छी है। बर्गर किंग की बात करें तो इसके नेगेटिव रिजल्ट है। ओके, एज वेल एज अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके रिजल्ट, यहाँ पर नीचे एक बार आ जाते हैं।
तो आपको एक आइडिया आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख लिए इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है। तो यहाँ पर देख लिए टोटल इनकम, तो टोटल इनकम 1994 लाख इन रुपीज, इससे पहले 1758, इससे पहले 1929। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओके, और बात करें यहाँ पर एक्सपेंस की, तो टोटल एक्सपेंस 2198, पहले 2000, पहले 2260। तो अगर बात करें ईयरली बेस पे एक्सपेंस लगभग फ्लैट है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर जंप नजर आ रही है एक्सपेंस में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से अगर बात करें पर लॉस फॉर द पीरियड, यहाँ पर लॉस हुआ है 259 लाख रुपीज, आई थिंक, हाँ यस, मिलियन से रुपीज, 259 मिलियन रुपीज का लॉस है। इससे पहले 290 मिलियन रुपीज था, इससे पहले 374 मिलियन रुपीज। अगर बात करें ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई है, बट यहाँ पर फिर भी नेगेटिव में ही रिजल्ट है। तो दूर रही है, यहाँ पर देखिए 68 पैसे का नेगेटिव में, इससे पहले 98 पैसे का, इससे पहले 1.38 रुपये का माइनस में यहाँ पर ईपीएस नजर आ रहा है। तो बर्गर किंग ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, कल की डेट में गिर सकता है, बट यहाँ पर ओवरऑल बात की जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस है। बॉम्बे साइकिल एंड मोटर्स एजेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर इनके रिजल्ट भी देख लेते हैं, ओके, हमने इसका भी इसके बारे में देखा नहीं है। इनलेक्स में अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है, आपको बस देखना है। टोटल रिवेन्यू की बात करें 183 लाख 179 इसे 230, तो क्वार्टरली बेस पे जंप है, ईयरली बेसिस पे गिरावट है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर जंप है, ईयरली बेसिस पे गिरावट है सेम। अगर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, तो 39 मिलियन रुपीज़ या लैक्स, 39 लाख का प्रॉफिट है, इससे पहले 70 से 62, जो कि ईयरली क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ईपीएस में भी आपको साफ झलक जाएगा, जो कि 9 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 17, इससे पहले 15 रुपये का ईपीएस था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा भगवती ऑटोकास्ट लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसने 1 रुपये का डिविडेंड देती हुई कंपनी नजर आई है। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर इन लैक्स में, यहाँ पर इनके रिजल्ट है, अगर देखते हैं टोटल रिवेन्यू 3335 लाख रुपीज़, से पहले 3100, इससे पहले 2376 लाख रुपीज़ का यहाँ पर रिवेन्यू थे। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर रिवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टोटल एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टरली ईयरली बेस पे। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं यहाँ पर आफ्टर टैक्स, यहाँ पर एनपीएटी की या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 114 लाख रुपीज़, से पहले 103, पहले 43। तो अगर बात करें क्वार्टरली ईयरली बेस पे यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, जो कि यहाँ पर ईपीएस बढ़ गया है इनका 3.99 रुपये, इससे 3.59, इससे पहले 1.5 रुपये। तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं आप। एज वेल एज बात करें यहाँ पर कंपनी बर्जर पेंट की, ओके, तो यहाँ पर कंपनी ने 2.80 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो यहाँ पर इसके रिजल्ट देखते हैं, तो इसके रिजल्ट भी काफ़ी इंप्रेसिव आया आई थिंक, और अच्छा खासा पेंट भी है इंडिया में, एशियन पेंट का बर्जर का ही नाम आता है, 1 करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं टोटल इनकम, तो 1818 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम हुई है, इससे पहले 1877, इससे पहले 1283। ईयरली बेस में यहाँ पर जंप है, क्वार्टरली बेस में यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ रही है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, तो 1551 करोड़ के एक्सपेंस है, इससे पहले 1536, इससे पहले, तो एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और टोटल नेट प्रॉफिट एनपीएटी की बात करें, तो 184 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 253, इससे पहले 194। तो कंपनी का ईयरली क्वार्टरली बेस पर यहाँ पर प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है एशियन पेंट में, बल्कि इससे अच्छे रिजल्ट करे थे, तो थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि वो नंबर वन है, और नंबर वन है तो रिजल्ट भी नंबर वन ही है। ईपीएस देख सकते हैं, 2.55 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 2.61 रुपये, इससे पहले 2 रुपये का ईपीएस हुआ करता था। तो कंपनी के रिजल्ट थोड़े से डल आते हुए हमें नजर आए बर्जर पेंट की। एएमपी अस्त्रा माइक्रोवेव की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इस कंपनी ने 1.20 रुपये का डिविडेंड दिया है। और हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं थोड़ा, और इसके बारे में देख लेते हैं, इसके रिजल्ट से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार इसके रिजल्ट देख लेते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है इसके रिजल्ट, शायद काफ़ी नीचे यहाँ दे रखे हैं ये रे। अगर यहाँ पर देखते हैं इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, टोटल इनकम 24,496 से 15,000, इससे पहले 17,000। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर टोटल इनकम में इंक्रीमेंट है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस बार के 21,198 लाख रुपीज़ थे। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, तो 2529 लाख रुपीज़, से पहले 558, से पहले 1,000। तो कंपनी का ईयरली क्वार्टरली बेस पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, जो कि ईपीएस से आपको नजर आ जाएगा। ईपीएस इसका 2.92 रुपये का इस बार का है, 65 पैसे का लास्ट टाइम था, 1.25 रुपये का ही है। तो इसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें हमें हम ये कंपनी की, तो देखिए यहाँ पर
काफ़ी कंपनी के अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। एक तो यहाँ पर देख लिए अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट, इसके अच्छे रिजल्ट है। एज वेल एज बात करें बर्जर, थोड़ा सा फ्लैट रिजल्ट नज़र आया है, इतने खास नहीं नज़र आए। इसके अलावा आप एशियन पेंट पर नज़र रख सकते हैं। भगवती ऑटो, इसके रिजल्ट भी इसी तरीके से आपको नज़र आते हुए दिखाई दिए हैं। बात करते हैं यहाँ पर और भी कंपनी की, तो बॉम्बे साइकिल के रिजल्ट भी यहाँ पर फ्लैट आते हुए दिखाई है। बर्जर किंग्स, बर्गर किंग से थोड़ा सा दूर रही है। तो यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज के जो रिजल्ट है आपको बताया गया है, तो आजकल के डेट में उसी के अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट इन शेयर से बिहेव करती हुई दिखाई देगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।